आप सबको एक जानकारी दे दूं, इस फोन की अनबॉक्सिंग के साथ साथ हमारा चैनल इस फोन को स्टार रेटिंग भी देगा जो 1 to 6 होता है, जो कि बैड टू परफेक्ट स्टार रेटिंग होगा। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और जानते हैं ये कौन से रेटिंग में खड़ा उतरता है। तो गाइज मेरा नाम है आरन, आप देख रहे हैं अनबॉक्सिंग टेक सॉल, चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज जैसा कि ये देख सकते हैं ये है इन्फिनिट का हॉट 11s, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा बॉक्स है, कुछ ग्रीन कलर के बॉक्स है, साइड में आपको हॉट 11s का मेंशन दिख रहा है एंड फ्रंट में देखा जाए तो आपको हीलो G88 फुल HD प्लस 90Hz का डिस्प्ले का मेंशन दिख रहा है। तो चलिए बॉक्स करते हैं ओपन। जैसा कि बॉक्स हटाते मन देखने को मिलता है हमें अपना ये ब्रांड न्यू फोन हॉट 11s पर रखा है सिम रजिस्टर पिन, ये है कुछ डॉलर जो कि पता नहीं किस काम में आता है। ये रखा है इन्फिनिक्स का फास्ट चार्जर जो कि 18W का फास्ट चार्जर सपोर्ट करता है, A to C केबल देखने को मिलता है एंड ये कुछ डॉक्यूमेंट्स पेपर जो कि हमारे बिल्कुल समझ के बाहर है। सेफ्टी बैक कवर जो कि इन्फिनिक्स हॉट 11s का है जो कि काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है। तो गाइस ये रहा हमारा इन्फिनिट का नोट 11 है, जैसा कि देख सकते हैं डिस्प्ले आपको काफ़ी ज़्यादा बड़ा डिस्प्ले मिलता है, एच टू एच आपको चिन्ह भी काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिलते हैं। इसमें आपको कैमरा ही पंच होल कैमरा देखने को मिलता है जो कि डिस्प्ले कैमरा है एंड अगर डिस्प्ले साइज़ की बात की जाए इसमें आपको डिस्प्ले 6.7 इंच का फुल एच डी प्लस डिस्प्ले देखने को मिलता है जो कि 90Hz का पैनल सपोर्ट करता है एंड ये काफ़ी ज़्यादा स्मूथ पैनल है। अगर रेवोल्यूशन की बात की जाए इसमें आपको रेवोल्यूशन 1080p का रेवोल्यूशन सपोर्ट करने को मिलता है। इस फोन की प्राइस रेंज के हिसाब से डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा अच्छा यूज़ किया गया है, जिससे मैं डिस्प्ले को पास करता हूँ बढ़ते इसके नेक्स्ट रेटिंग तरफ जो कि है परफॉर्मेंस। जैसा कि देख सकते हैं कुछ स्प्रेट मीडियाटेक का हीलो G88 गेमिंग प्रोसेसर मिलता है जो कि 12 नैनोमीटर पे ये प्रोसेसर बेस्ड है और ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल प्रोसेसर है। इस प्राइस रेंज में ऐसे प्रोसेसर कोई भी ब्रांड नहीं देता एंड अगर प्राइस रेंज की बात करें अगर आप 15,000 के प्राइस रेंज में जाएंगे तो भी आप ऐसा प्रोसेसर नहीं पाएंगे एंड ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल प्रोसेसर है एंड CPU की बात की जाए इसमें आपको CPU 2.2 GHz का CPU को क्लॉट किया गया है एंड GPU आपको माली का G72 का MC2 का GPU मिलता है। इसकी बात की जाए मेरे को XOS मिलता है जो कि ये इन्फिनिक्स का ही OS है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा एंड फ्रेश स्टॉक मिलता है। अगर मेमोरी की बात की जाए इसमें आपको मेमोरी 4GB RAM 64GB इंटरनल देखने को मिलता है, ये वेरिएंट आपको 4GB RAM 64GB इंटरनल है पर इसमें आपको 3GB RAM वर्चुअल रैम मिल जाएंगे, 7GB RAM का ये फोन मिल जाता है जो कि इस प्राइस रेंज में 7GB RAM का फोन कोई भी ब्रांड आपको देखने को नहीं देता। अगर इस प्राइस रेंज में परफॉर्मेंस की बात की तो परफॉर्मेंस इन्फिनिक्स काफ़ी ज़्यादा अच्छा यूज़ किया गया है जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है और मैं इसको परफॉर्मेंस में भी पास करता हूँ। बढ़ते इसके नेक्स्ट फीचर की तरफ जो है कैमरा, इसमें आपको कैमरा बम भी काफ़ी ज़्यादा एडवांस कैमरा बम देखने को मिलता है, जैसे प्रीमियम फोन में आपको बड़े बड़े सेंसर देखने को मिलते हैं इस फोन में भी आपको बड़े बड़े सेंसर देखने को मिलते हैं। इसमें आपको 50MP का AI ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। अगर नाइट रिकॉर्डिंग की बात की जाए इसमें नाइट रिकॉर्डिंग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से फोटो ले रहा है, काफ़ी ज़्यादा इसमें ब्राइट एंड ब्राइट कलर देखने को मिल रहे हैं, इसके रेवोल्यूशन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे खासे, इसमें आपको 720p 1080p एंड 2K जैसे वीडियो सपोर्ट देखने को मिलता है जो कि काफ़ी ज़्यादा वीडियो रिकॉर्डिंग को अच्छा एंड क्लियर क्वालिटी दिखा रहा है। ना कैमरे क्वालिटी की बात की जैसे कैमरा क्वालिटी आप देख सकते हैं कैमरे में काफ़ी ज़्यादा अच्छे से डिटेलिंग ये फोटो को ले रहा है एंड अगर फोटो कैप्चर की बात की जाए जैसा कि देख सकते हैं गाइस ये फोटो जो कैप्चर कर रहा है ये फोन ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर रहा है। अगर डिटेलिंग की बात की जाए तो इसमें डिटेलिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छे से इसने ली है, कलर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से मैच कर रहा है एंड ब्लर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से, डायनेमिक रेंज भी आपको काफ़ी अच्छा खासा इसमें देखने को मिलता है। अगर कैमरे की बात की तो कैमरे में काफ़ी ज़्यादा अच्छा अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, वीडियो एंड नाइट क्वालिटी में भी काफ़ी ज़्यादा इसने अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाया है। कैमरे रेटिंग में मैं इसको पास करता हूँ, बढ़ते इसके नेक्स्ट रेटिंग तरफ जो कि है नेटवर्क कनेक्टिविटी, देखते हैं उसमें पास होता है कि नहीं। अगर कनेक्टिविटी बात की जाए इसमें आपको डुअल सिम 4G का सपोर्ट देखने को मिलता है, इसमें आप फर्स्ट एंड सेकंड में दोनों ही में आप 4G का उपयोग कर पाएंगे एंड वाईफाई की बात की जाए तो इसमें आप वाईफाई 2.4 GHz एंड 5 GHz दोनों ही सपोर्ट करने को मिलता है एंड ब्लूटूथ भी आपको इसमें 5.0 का सपोर्ट देखने को मिलता है। ये नेटवर्क स्टार रैंकिंग में भी ये फ़ोन पास होता है, इस फोन ने 6-स्टार रैंकिंग में से 4-स्टार रैंकिंग को बेझिझक इसने हासिल कर लिया है। बढ़ते इसके 5वें रैंकिंग की तरफ जो कि है बैटरी। अगर बैटरी की बात की जाए इसमें आपको बैटरी 5000mAh की बैटरी मिलती है जो कि 18W का फास्ट चार्जर सपोर्ट करती है और बैटरी में काफ़ी ज़्यादा कस्टमाइज जैसे ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जिसमें पावर बूस्ट जैसे ऑप्शन मिलते हैं, अल्ट्रा पावर सेविंग जैसे मोड भी इसमें आपको देखने को मिलते हैं। तो गाइज इस फोन की बैटरी रैंकिंग में इस फोन को पास किया जाता है। अगला ओपिनियन मेरा है जो कि 6वां रैंकिंग होने वाला है। अगर 6वें रैंकिंग बात की जाए तो हमारा 6वां रैंकिंग होता है वो एक्सीलेंट रैंकिंग होता है। अगर 1 to 5 रैंकिंग में देखा जाए तो इस फोन ने डिस्प्ले, परफॉर्मेंस, कैमरा, बैटरी एंड डिज़ाइन में बेझिझक अपना परफॉर्मेंस दिखाया है। जी हाँ दोस्तों, मैं इसको 6वीं रैंकिंग में दे रहा हूँ जो कि एक्सीलेंट है और अगर इस फोन को आपको बाय करना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ जाकर बाय कर सकते हैं। बेझिझक फोन को बाय करें, इस फोन में कोई भी परेशानी नहीं है, प्राइस में भी काफ़ी ज़्यादा क्लियर फोन है, 9999 में ये आपको बहुत ज़्यादा अच्छा अच्छा परफॉर्मेंस देखने को देगा। तो गाइस मिलते हैं ऐसे मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।